अच्छा, अब हमारे पास सी शार्प के अंदर अगले ऑपरेटर्स हैं जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब देखो, एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया है अभी तक, ठीक है, वो कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू को हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल टू क्या करता है? राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन करता है। राइट साइड में वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड में हमारा मोस्टली वेरिएबल होता है। ठीक है, जिस तरह मैं अगर डिक्लेयर करता हूं इंट ए इज इक्वल टू 20, तो 20 का है राइट साइड पे और वो असाइन कहां पे होता है? ए में असाइन होता है, मतलब लेफ्ट साइड में असाइन होता है। तो इनको असाइन कौन करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसे कह रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब राइट साइड पे जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में पास कर देगा, असाइन कर देगा, भेज देगा। और इसके लिए अभी तक हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो, द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज इन सी शार्प। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। भाई देखो, जहां भी एक कंपाउंड की बात करें ना, कंपाउंड एक इंग्लिश का वर्ड है, जहां पे भी एक कंपाउंड की बात करें तो समझ जाओ कि बहुत सारे चीजों की मिक्सचर की बात हो रही है। मतलब दो चीजें हैं उसका हम मिक्सचर बना लेते हैं। जिस तरह H2O एक फॉर्मूला है ना वाटर का, तो उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जा रहा है, तो वो एक कंपाउंड मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, सेम इसी तरह आपके पास दो ऑपरेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो उसको कहा जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखो, पहले देखो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कह रहा है? द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू। मतलब आपके पास जो इक्वल टू है उसको क्या कहा जा रहा है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जा रहा है, विच इज यूज टू असाइन अ वैल्यू और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। मतलब ये इज इक्वल टू ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? कोई वैल्यू हमें किसी वेरिएबल को भेजनी है या एक्सप्रेशन का कोई भी रिजल्ट अगर हमें वेरिएबल को भेजना है तो हम यूज करते हैं ये इज इक्वल टू सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आ जाओ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखो यहां पे, द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो ये समझने वाला पॉइंट है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में किसे कह रहा हूं? इज इक्वल टू को, और अरिथमेटिक ऑपरेटर अभी हम पढ़ के आए प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस, ये क्या है? सारे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। मतलब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर किन दो चीजों का मिक्सचर है? इज इक्वल टू का और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते कौन से। देखो, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और फिर मॉडुलस इक्वल टू। देखो, इज इक्वल टू से अगर पहले की बात करूं, ये सारे कौन से ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उनके बाद क्या लगा हुआ है? एक ही ऑपरेटर लगा हुआ है, इज इक्वल टू। तो ये इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है भाई, देखो इसको आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कह सकते हो या सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर दो टाइप्स हैं, सिंपल मतलब आपके पास इज इक्वल जो होता है, और कंपाउंड मतलब जो इज इक्वल के साथ जो अरिथमेटिक यूज होते हैं वो। ठीक है, तो इनको अब यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं इंट ए और इसके अंदर स्टोर करता हूं 5। ठीक है, तो देखो एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंने यहीं पे यूज कर लिया, कौन सा? इज इक्वल, मतलब जो राइट साइड की वैल्यू कहां पे असाइन कर रहा है? लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर रहा है। और ये कौन सा ऑपरेटर है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं यहां पे यूज करता हूं पहला जिसको हम कहते हैं प्लस इक्वल टू। मैं कह रहा हूं प्लस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1। तो अगर मैं यहां पे आऊं और इसको मैं CW टैप टैप करके A को प्रिंट करूं, अब पहले ये मतलब समझना कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना A प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? देखो मैं यहां पे कमेंट्स में लिखता हूं A इज इक्वल टू A प्लस 1। भाई देखो A में क्या वैल्यू है? 5। इसको मैं प्लस किसके साथ कर रहा हूं? 1 के साथ। तो मतलब 5 प्लस 1 का रिजल्ट क्या मिलेगा? 6। मतलब
सिक्स वापस असाइन हो जाएगा ए के वेरिएबल को, मतलब ए के वेरिएबल की वैल्यू मैं दूसरे नंबर के साथ प्लस करके दोबारा ए में ही असाइन कर रहा हूं। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब आप इस तरह से लिखो या शॉर्ट में इस तरह से लिखो, बात एक ही है, सही है। तो यहां पे अगर मैं ए के वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, सिक्स मिलेगा। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं, क्या आंसर मिल रहा है, सिक्स। तो ये आपके पास कहलाता है कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आप इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हो। फिर यहां पे अगर मैं आ जाऊं माइनस इक्वल टू, ठीक है, तो आप देखो ए के पास क्या है, फाइव, इसमें से कितने माइनस कर रहा हूं, वन, तो मतलब आंसर क्या है, फोर। तो फोर वापस किसको असाइन हो जाएगा, ए को। इसका मतलब ए में पहले फाइव था लेकिन जब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया तो क्या हो गया, इसके अंदर फोर हो गया। तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, फोर, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास है मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं यहां पे कहता हूं वन हटा के मैं क्या कहता हूं, टू, सही है। और अब यहां पे देखो क्या है, ए के पास क्या है, फाइव, और इसको मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करवा रहा हूं, टू के साथ। तो मतलब फाइव टू जा टेन, और टेन वापिस कहां पे असाइन हो जाएगा, ए के वेरिएबल में, सही है। मतलब ए के अंदर पहले फाइव था लेकिन जब मैंने इसे टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए की वैल्यू फाइव से क्या हो गई, टेन हो गई, ठीक है। और यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूं क्या आंसर आ रहा है आपके पास, टेन, ठीक है। फिर सेम इसी तरह अगर मैं यहां पे आके डिवाइड इक्वल टू, और देखो अब इस केस में मैं यहां पे रखता हूं टेन, ठीक है, ए के अंदर मैं रखता हूं टेन और इसको मैं डिवाइड करवाता हूं फाइव के साथ, ठीक है। तो मतलब अब यहां पे क्या होगा, ए को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसके साथ, फाइव के साथ, ठीक है। मतलब ए में अभी क्या वैल्यू है, टेन है, मैं क्या कह रहा हूं, ए को डिवाइड करो फाइव के साथ, तो आंसर क्या आएगा, टू, और वो टू दोबारा कहां पे स्टोर हो जाएगा, ए में, और मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, टू। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, टू, ठीक है। फिर सेम इसी तरह लास्ट हमारे पास क्या था, मॉडुलस, ठीक है, जो हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये डिवाइड क्या रिटर्न कर रहा था, क्वेश्चन जो आंसर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं मॉडुलस इक्वल टू लगा दूं, ठीक है, तो अब जब मैं 10 को डिवाइड करूंगा 5 के साथ तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो मतलब ए में क्या साइन हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं क्या रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, जीरो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर।